ड्रग्स मैंने तुमसे कहा था क्या कि अगर 50 रुपए मिले तो 50 रुपए का खा लेना चाहिए तो सामान ले लिए ना। नहीं, उसका तुरंत खा लेना चाहिए। सामान आपका टूट सकता है, फट सकता है, लेकिन आप खा लीजिएगा तो आपका पेट में चले जाएगा और सुबह वो खाद बन जाएगा। तो गाइस देखिए, फाइनली हम लोग मिट्टी का दिया लेने आ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी आज का ब्लॉग मैं थोड़ी शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी मैं ऑफिस से आया हूँ। और ऑफिस से आते ही गाइस आज आदि को इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था कि आते ही बिल्कुल जैकेट वगैरह चढ़ा दिए हैं। बिल्कुल गाड़ी में लग रहा था पूरा ठंडा। क्या खा रहे आते हैं? तो गाइस अभी फिलहाल भैया ऑफिस से जब आ रहे थे तो रास्ते से वो समोसा वगैरह लेके आए, समोसा और मिठाई। तो बहुत दिन के बाद लेके आए गए समोसा और सब्जी, तो भूख भी लगी रही गाइस। तो चलिए फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को जाना है गाइस दिवाली का शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगल बाजार को मतलब अच्छा मार्केट लगता है जो कि आप जो शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं दिवाली से रिलेटेड, क्योंकि जब मंगलवार क्या है कि वो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग उसका रेंज चेंज होते रहता है। तो फिलहाल अभी गाइस चलिए नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए यही वो समोसा एंड सब्जी है जो भैया लेके आए ऑफिस से। अभी आप खा लिए समोसा? सब लोग खा लिया, बस मेरे लिए गाइस बचा हुआ है और इसमें रखा हुआ है मिठाई, ये देखिए। तो चलिए गाइस फटाफट से खाने अपना समोसा फिनिश करते हैं। तो गाइस शाम का नाश्ता करने के बाद अब पूरी सेना यहाँ पे रेडी हो गई है जाने के लिए अब बाजार। भाभी अपना पर्स है, बिल्कुल पैसे वैसे कितना पैसा रखा हुआ है मार्केट करने के लिए, पूरा पैसा समेट रहे पर्स है। चेक चेक के सबको स्कीम बता दो कि मेरे पास कितना पैसा है। करोड़पति कैसे? कितना करोड़ लेके जा रहे हो? कितना करोड़? 5 करोड़। वाह। तो चलिए गाइस अब निकलते हैं और लाइट भी क्या मस्त चल रहा है, आपको दिखाता हूँ कल जो हमने लगाया है। ये देखिए गाइस शाम होते ही भाभी जी ने चला दिया है लाइट और मस्त दिख रहा है बिल्कुल। ये पौधे के सामने लाइट जल रहा है और भी अच्छा लग रहा है, मस्त मस्त। तो चलिए अब निकलते हैं गाइस। गाइस देखिए हमारी सोसाइटी के बाहर मस्त लाइटिंग किया गया पेड़ वेड़ में, इधर भी देखिए मस्त सजाया हुआ। फिलहाल सारे लोग आ चुके हैं बाहर। गाइस देखिए त्यौहार के आते हैं कितनी तगड़ी जाम लग जाती है यहाँ पे, भीड़ इतना ज़्यादा। और देखिए इधर मस्त दुकान लग गया है जो लाइट्स वगैरह बेच रहे हैं। और गाइस आज मंगल बाजार यहीं से स्टार्ट है, शुक्र बाजार से। गाइस ये देखिए यहाँ मिल रहा है मिट्टी का दिया, भाभी भी देख रही हैं। और यहीं से गाइस बाजार आज स्टार्ट हो गया बहुत पहले से, बहुत दूर है मंगल बाजार बट यहीं रास्ते से स्टार्ट हो गया। तो चलिए गाइस चलते हैं आगे देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंगल बाजार और किसी से अंदाजा लगा सकते रोड पे इतना भीड़ है तो मार्केट के अंदर कितना भीड़ होगा आज। तो गाइस ये देखिए हम लोग आगे भी नान खटाई लेने के लिए हैं। कितने का लेते हैं? 40 रुपए ले लीजिए। नहीं आज हम लोग 4 लोग हैं ना, 40 का ही ले, 50 का लिए बता दीजिए। 10 में कितना मिलता है? भीड़ देखिए गाइस, भाई साहब भाभी गजब का भीड़ है, बच के जाना पड़ेगा। 10 का? 10 का एक दो मिलता है सर, पता नहीं। और गाइस देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि दिवाली के सजाने का बहुत सारा चीज मिलता है यहाँ पे, बहुत सारा चीज मिल रहा है सजाने का यहाँ पे। गाइस भीड़ बहुत गाइस देखिए हर तरफ बिल्कुल सजाने वाली चीज़ें ही मिल रही है दिवाली में, जो सजाए थे फूल है इधर, इधर भी फूल है और आगे इधर भी सजाने वाला है पूरा, मतलब सजाने वाला आइटम बहुत ज़्यादा है गाइस आज बाजार में। गाइस देखिए यहाँ पे वो पौधा मिल रहा है जो घर पे हम लोग लेके गए थे कुछ समय पहले, और भीड़ तो गाइस बढ़ता ही जा रहा है। तो गाइस देखिए भाभी यहाँ पे सजाने वाला ले रही हैं, अभी देखते कितने पीस लेते हैं अभी हम लोग। तो गाइस देखिए भाभी यहाँ लेने आ गई हैं और डेकोरेशन के लिए बहुत सारा फूल, क्योंकि हम लोगों ने बास खरीदा कुछ समय पहले। देखिए मस्त मस्त यहाँ पे फूल है इनके पास। और अनु कुछ लेना है यहाँ से? हाँ बोतल लिए हैं। वाह क्या मस्त मस्त फूल है।
तो गाइस वहाँ हम लोग को फूल तो बहुत पसंद आया था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग अभी ले नहीं पाए। तो रिटर्न में गाइस कोशिश करेंगे कि वहाँ से लें, और फिलहाल अभी हम लोग और मार्केट के आगे घूम रहे हैं थोड़ा सा अभी। गाइस देखिए यहाँ थोड़ा अलग स्टाइल का मोतियों वाला सजाने का सामान मिल रहा है, मस्त लग रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, हमको मन कर रहा है हम सब खरीद ले। भाभी कहाँ गए? भाभी इधर कुछ ले रहे गाइस सजाने का सामान। आप क्या ले रहे इधर? ये शुभला। अच्छा ये उधर कितना मस्त मस्त, उधर से देखो ना, उधर भी मस्त मस्त, यहाँ भी मस्त मस्त। तो भाई देखिए भाभी यहाँ कुछ लेने आ रहे हैं, है ना, मस्त मस्त यहाँ मिल रहा है। भाभी इधर तो और तगड़ा वाला भीड़ है इस साइड। ओ भाई साहब, तो गाइस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिया है बत्ती, और भाभी यहाँ पे और भी क्या ले रहे, धूप। दिवाली में गाइस मेन रोल तो दिया वगैरह जलाने के बत्ती का ही यूज सबसे ज्यादा है। क्या बात है, छुप के खड़े पीछे सब धक्का मार दे रहा है हमको। भीड़ इतना ज्यादा है, क्या कीजिएगा, पूरा डब्बा नहीं आता। तो गाइस फाइनली उस भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकल गया, बहुत ज्यादा ही भीड़ था गाइस, और अब हम लोग आ गए सब्जी मंडी के साइड, देखते हैं यहाँ कैसा भीड़ है। गाइस देखिए जिस ट्रैफिक को छोड़ के हम लोग वहाँ से आए थे, यहाँ भी गाइस वैसे ट्रैफिक है पूरा लगा हुआ, और इधर तो टेम्पू टेम्पू पूरा भरा हुआ, गजब का भीड़ है गाइस इधर भी। चलिए ये देखिए गाइस कितना भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस देखिए फाइनली हम लोग मिट्टी का दिया लेने आ गए हैं, क्योंकि दिवाली में मिट्टी का दिया ही जलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कितना लेना है ना, ये तो हम पूछे ही नहीं कितना लेना है। चलिए भाभी से हम पूछ के आते हैं, ठीक है। तो कैसे है भैया? तो गाइस ये देखिए ये ले लिया है मैंने मिट्टी का दिया, और यहीं पे भाभी लोग चाउमीन, आप लोग चाउमीन खत्म खा भी लिए? खा लिए। ओ भाई साहब क्या बात है, लीजिए अनु पकड़ लीजिए इसको, दिया मिट्टी का जो दिवाली में काम आएगा। तो चलिए गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, दिया भी ले लिया, लोगों ने चाउमीन भी खा लिया यहाँ से। तो गाइस सारी चीज़ें लेके हम लोग अब निकल गए हैं बाजार से, और गाइस भीड़ इतना भयानक है आज क्या बताऊँ, अभी भी बाहर निकल गए यहाँ फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गाइज अब चलते हैं घर की तरफ, पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से सामने ही हमारा घर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर, और भाभी सारा चीज़ फैला के रखी है कि जो जो बाजार से भी लेके आए हैं, और चलिए गाइज उससे दिखाता हूँ पहले क्या क्या सामान लेके आए हम लोग, और उसके बाद गाइज एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा जो कि हम लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ मंगल बाजार में अभी। तो चलिए उससे पहले दिखाते हैं सारा सामान आपको, ये देखिएगा इसमें सारा सामान भाभी जी ने डाल दिया है। और गाइज ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक स्टोरी छुपा हुआ है, जो स्टोरी अभी आपको मैं बताऊंगा। नहीं आप अच्छे से बताइए। राजा आ रहा था ऐसे चल चल के, जमीन देखते देखते के जमीन देखते देखते नहीं, हमको लगा कि हम लगा रहे थे ना, तो मेरा 50 रुपया गिर गया था, हम सोचे गया तो गया कहाँ। अच्छा मतलब मंगल जाना सब्जी आप ही बेच रहे थे ना। तो हम लोग सोचे थे वो पैसा को क्या करे, एक बुढ़ी आंटी बेच रही थी तो उन्हीं से हम लोग ये खरीदे। तो 50 पता है 50 रुपया मिला, तो उसमें 30 रुपया ऐड करके फिर हम लोग ये वाला लिए कि चलो ठीक है, है ना, बहुत दिन बाद उनको पैसा मंगलवार में आधे टाइम या ज्यादा टाइम तो पहली बार मिला है कुछ, मतलब मंगलवार में। मैंने तुमसे कहा था क्या कि अगर 50 रुपए मिले तो 50 रुपए का खा लेना चाहिए, तो सामान ले लिए ना, नहीं उसका तुरंत खा लेना चाहिए। सामान आपका टूट सकता है फट सकता है, लेकिन आप खा लीजिएगा तो आपका पेट में चले जाएगा, फिर सुबह वो खाद बन जाएगा। वाओ क्या नाइस सलाह है आपका। तो गाइज हम लोगों का डिनर सर्व हो चुका है, और हम लोग सब लोग बैठ गए हैं डिनर करने के लिए, और आदि तो खाना भी स्टार्ट कर दी, वैसे मैं और आदि एक साथ बैठे, और इधर भैया भाभी रितु जी और अन्नू सब लोग बैठे हुए। तो गाइज आज खाने बना है, क्या बना अभी क्या बोलते हैं, ये है मछली चावल बिना काटा का मछली, मंगलवार का मछली है। अच्छा मंगलवार को जो मछली खाते हैं वो वाला मछली का, चलिए आपको दिखाते हैं पहले क्या है। तो गाइज ये देखिए यही वो सब्जी है जो कि इसको बिना कांटे वाली मछली की सब्जी भाभी बोलती है, और वैसे गाइस ये है बेसन की सब्जी, इसको गट्टा क्या बोलते, गट्टा बोलते क्या बोलते भाभी, गट्टे की सब्जी, आपका सच में मछली जैसा लग रहा है ना, क्योंकि मेरा में थोड़ा स्टाइलिश तरीके से सर्व किया गया खाना। तो चलिए गाइस मछली टेस्ट करते हैं बिना कांटा वाला यानी बेसन की सब्जी।
देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी भी आ रहा, भूख भी बड़ी तेज है। तो चलिए अब खाते हैं।